अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर देना है। तो अब हम एक साइड से भी काटते हैं और ये वाला जो फ्लावर है ना, ये ऊपर से थोड़ा थोड़ा इसकी डस्ट लगी हुई है, तो हम क्या करते हैं इसे ऐसे हल्का हल्का देखें, ये साफ़ हो चुका है। अब ये जो इसमें थोड़ी सी कसर रह गई है, हम इसे वॉश करेंगे तो ये भी साफ़ हो जाएगा। हम इसे अरे हम अपनी सब्ज़ी वगैरह काट लें फिर हम आपको देंगे। सब्जी वगैरह हमने काट ली थी, उसके बाद हो गया मगरिब की नमाज़ का टाइम, फिर हमने नमाज़ वगैरह पढ़ ली, तो अब सब्जी वगैरह हमने चढ़ा दी। तो आइए देखना है सब्जी का क्या बना है और कितनी रह गई है। ये हमें जो है ना थोड़ी खड़ी खड़ी ये इस तरह की सब्जी पसंद है, गोभी है, तो हम इस तरह के बना रहे हैं और इसमें हमने मसाले वगैरह भी ऐड किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी ये गोभी जो है वो पक चुकी है। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये मेथी। मेथी जो है ना, इसलिए हम धनिया की जगह हम मेथी डाल रहे हैं क्योंकि जो ये जो मेथी है ना, ये खुशबू का काम करती है और इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, तो हम ये डालते हैं। चम्मच हटा लेते हैं। तो जब हम इसे दम देंगे ना, तो ये मेथी भी गल जाएगी। दूध उबल रहा है और इसके ऊपर मलाई भी आ चुकी है, मतलब ये मलाई आने का मतलब ये होता है कि दूध पक गया है। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें से ना बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। ये जो मेथी है यही काम करती है, और मेथी डालने से हमें जो सालन में खुशबू होती है ना, अगर सालन मज़े का ना भी हो ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। वो मैं रोटी बना रही हूँ, रेडी हो चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह, इसे रख देते हैं। गर्मा गर्म रोटियाँ और उसके साथ गरम गरम सालन बहुत ही मज़ेदार लगेगा। मैं टेस्ट करती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है।
इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।